और पहली बार यार लगभग एक घंटे का इंतजार अभी बाकी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं, लगातार माननीय वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं। कुछ मिनटों का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले हम चौपाल चौपाल जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, समझ रहे हो। चूंकि मेरे खास मेहमान मेरे साथ बने हैं, दीपाली जी, मिश्रा जी, आप बोल चुके, मिश्रा जी से 18 से 20% जीडीपी कंट्रीब्यूशन, आप ये बिल्कुल प्रदीप, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे कितना खरा उतरा है बजट। 2 घंटे 40 मिनट के बजट में हम लगातार सुन रहे थे निर्मला सीतारमण को पांचवी बड़ी इकोनॉमी करार दिया गया है। अगर हम 10 में से इसको मार्क करते हैं तो तीनों मेहमानों से फटाफट सवाल है, सर कृषि किसान खेत खलियान को कितने नंबर देते हैं आप? लगभग 7 नंबर मैं दूंगा, बहुत अच्छी इन्होंने पहल की है। देखिए, एक तो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का पूरा ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फुट एंड माउथ डिजीज जो पशुओं में होता था शायद पहली बार उसको जड़ से खत्म करने का सरकार ने। और मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं लगातार, जो बजट पेश हुआ है उसका विश्लेषण हो रहा है, खास मेहमानों का पैनल सभी के साथ मौजूद है। विवेक का रुख करते हैं, ओवर टू यू विवेक नाउ। निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल, ये जो चौपाल है उसमें खास मेहमान हमारे साथ हैं और ट्रैक्टर की रफ्तार के साथ हमारी इकोनॉमी की रफ्तार देखिए कैसे यहाँ पर हुंकार भरती है, उसका इंतजार अभी बाकी है, पिटारा खुलना बाकी है। लेकिन चूंकि हमारे साथ खास मेहमान हैं उनसे जानते हैं, मिश्रा जी जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रोड मैप है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सरकार अपनी इकोनॉमी को कैसे रफ्तार देगी, क्या लगता है आपको? मैम, हमने पहले ही बोला आप जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आप 18% देखिए, रोजगार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप 50% जॉब में अगर कंट्रीब्यूशन देखिए तो इकोनॉमी अगर आगे बढ़ेगी, 5 ट्रिलियन बनाना हो या उसके आगे ले जाना हो तो 50% जो कंट्रीब्यूशन, 18% जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर और गांव का जो योगदान है वो इनको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने शुरू भी किया है, अभी आप देखिए बैम्बू के ऊपर हमारी सरकार ने ये किया था कि कैसे हम बांस के जंगलों का उपयोग करेंगे। आप यहाँ देखिए ये नीम के पेड़ है, इनका बोटेनिकल नाम एरेसिडेक्टा इंडिका है, अमेरिका इसको पेटेंट करा रहा है, इतनी वनौषधियां हैं कि ये नीम के पेड़ है, इनका बोटेनिकल नाम एरेसिडेक्टा इंडिका है, अमेरिका इसको पेटेंट करा रहा है, इतनी वनौषधियां हैं, इतना अगर वनौषधियों की भी खेती कराएं और एक्सपोर्ट करें तो कितना ज्यादा रोजगार और इनकम लोग। शिवम, शिवम त्यागी मेरे साथ है, शिवम, डॉक्टर दीपाली मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि ये तो हुई ट्रैक्टर वाली चौपाल, चौपाल हमारी जगह जगह लगी है, मेरे सहयोगी जगह जगह से हमारे साथ बने हैं। अब हम चलेंगे नुक्कड़ वाली चौपाल में प्रदीप भंडारी के पास। प्रदीप भंडारी, से 18 से 20% जीडीपी कंट्रीब्यूशन, आप ये आप देखिए राष्ट्र गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, समझ रहे हो। चूंकि मेरे खास मेहमान मेरे साथ बने हैं।